तीनों राज्य से हम निहोरा करब। भानुमति के पिटारा भी निकले के बाटे हो, पर्ची तो आ गई बा हमरा लगे, नामों बाटे सब कुछ लिखल बा, कुल हुई मजा हो, बड़ा मजा आई। विदाई की रात एकदम उदास ना करब, ई वादा बा, ना रोआई। खुश आंसू, एक आंख में आंसू, एक आंख में हंसी। मंच पर उतरल बाड़े झारखंड की ऊ योद्धा जिनका के भेटाइल रहे पिछला सप्ताह 35 नंबर संघर्ष के अपन जीवन साथी बनाए वाली लड़की। आज एक बार फिर इनकर परीक्षा बाटे, का हुई इनकर परीक्षा के फल, पास या फेल। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी देवघर झारखंड की प्रियंका भारद्वाज। जाएगे तो पड़ी, ये तो बढ़िया बता देलू, खुदा मुंह से कबूल लेनी कि जाएगे तो पड़ी। स्वयं इनके पता चल गए 35 नंबर भेटाइल रहे पिछली बेर। आलोक बाबू, आज थोड़ा सा इनकर परफॉर्मेंस थोड़ा सा कुछ कमी दिखल है, वो भाव भाव में भी कमी दिखल है। गावे नु तो हमके कंफ्यूजन रहला कि पता नहीं तू सुर में गावत रहू को सुर में नहीं खुगावत, ऐसा टाइप के रहला कबो कबो ऐसा लागेला। बहुत अच्छा गाई, बहुत एकदम भाव में डूब कर गई, दिल तक पहुंचा, ऐसे ही गाओ और सुर साधो, सास सधे तो सब सधे मेरे गुरुजी कहते हैं, ठीक है। प्रियंका, तुम इस मंच पे मेरी फेवरेट हो, ये बात जानती हो, और कहीं ना कहीं गाने से भी ज्यादा उठन बैठन, तुम्हारी चितवन, सब कुछ मुझे बहुत बहुत अपनी लगती है।
लेकिन आज वो प्रियंका नहीं थी। भाव पूरा था, जो तुम्हारा सबसे सशक्त पक्ष है, गाने को जीना, वो पूरा जिया। लेकिन एडलिप से लेकर के जो स्पेशली जो शुरुआत का मुखड़ा था, मैंने कई बार अपने को ऐसे पिंच किया कि मतलब सही सुन रही हूं। सपाट सुर भी जहां लगाना चाहिए कहीं कहीं उछलता हुआ सा गया, जैसे कंट्रोल हो, थोड़ा सा मन जोगना रहे। 15 अब तक का सबसे मुझे I'm very sorry अब तक का लेकिन सबसे बिखरा हुआ परफॉर्मेंस मुझे लगा। कि सखी हो सैया के नगरिया एक दिन जाए के पड़ी, सखी हो सैया के नगरिया एक दिन जाए के पड़ी। मैंने लास्ट सबसे कम नंबर दिया है दीपक को 14, तो उससे मुझे कम ही देना पड़ेगा 13। पिछलका और आज के एपिसोड में ला के हो गई, और ये सेफ नहीं खन इनकरा के जाए के पड़ी ललका कुर्सी पर। विदाई का प्रेशर की सब लोगन के ओकरे पहले का प्रस्तुति आपके असर कर गेल का हो, कहां गलत का भी कहां लगता गलती हो गई। शायद विदाई का प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के सामने इस मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। मैं इस मंच पे गा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊँगी। अच्छा, जैसे हम सवेरे आई नहीं तो आज बोल ली कि आज हम सीटी मारा हमरा पे कहे इसी पहलू, या आज ही हमरा के कहलिन कि आज आपके देख के हम सीटी मारा, क्योंकि आज रवि भैया आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। चला हम ऐसे चले लगब, हम यार से गुजरे लगब, सीटी मारा, ठीक है? रेडी 1 2 3 धन्यवाद। आज बाबू दीपक बाबू के बचा लेने प्रियंका भारद्वाज और ओबरा के कोबरा सेफ हो गयलन, और अनसेफ झारखंड से प्रियंका भारद्वाज, ऐसन सिंगर ऐसन गायक कबो उम्मीद ना रहे। लेकिन हम कहनी ना कि अद्भुत मंच बाटे सुर संग्राम तृतीय का, जहां कुछ भी हो सकेला, ग्रहों का भी खेला चला था, सुर का खेला भी चला था, और अभी तक हो चुकल बाटे 4 परफॉर्मेंस पूरा। लाल कुर्सी के काल घेर ले बाटे उत्तर प्रदेश के, वह उत्तर प्रदेश जहां के योद्धा लोगन पे पूरा उत्तर प्रदेश के नाज रहे, स्वयं सरदार मोहन राठौड़ के नाज रहे। लेकिन काल ग्रह नक्षत्र भगवान दिन समय कभी कभी ऊ भारी पड़ जाला सूर्य पे भी कला पे भी, ये एक सृष्टि का खेलावा। और भानुमति के पेटारा जे भुटाली बाबू सुपरमैन बन के आ रहा ना, वो खुले के बाद न्यायमंडल पे एगो इशारा दे देव कि न्यायमंडल का नाम बाटे दोनों का, केकर नाम निकली आ चलल जाओ कुर्सी पे बैठल यूपी से। और का चला था इनकरा मन में, का मन में चला था एकदम साफ साफ कहता, और का लगता के बचाई। भैया अभी तो हम कुछ ना कह सकीला, काहे कि यहाँ सब बढ़िया सुर लगाए वाला योद्धा बा, अब ऐसे तो हम केहू के ना कह सकेला कि कोई हमके बचाई, हो सकेला कि हमहू जा सके। जय हो। अब उतरल बाड़न यूपी के शान के योद्धा, इनकर अदा के हर लड़की दीवानी बाड़न, हाँ इनकर सुर चढ़ के बोल रहल बाटे सब लोगन के कपारे, इनका के आवे से यूपी सेना और मजबूत हो गईल बाटे। इनका पिछला एपिसोड में भेटायल रहे 37 नंबर, देखे के बाकी आज एलिमिनेशन से बचे खातिर कौन सा पैतरा आज में आए वाला बाड़ा नी। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी गोरखपुर के
बाका छोरा जितेंद्र सिंह और अंशु के। भलही भैया जियते जिनकी सहवत ना अपनाई बे राजा बाकी जियते जिनकी सहवत ना अपनाई बे राजा जिंदगी सावत ना अपनाई बे राजा बाकी जियते जिंदगी सावत ना अपनाई बे राजा फिरा के बंधन के तू तुड़ दी हला झटका के तुड़ दी हला झटका के साथ फिरा के बंधन के तू तुड़ दी हला झटका के तुड़ दी हला झटका के तोहरा के कमी ली राजा हमरा के तड़पा के राजा अंशु पिछला बेर जिला टॉप ई विनर रहलन ई वाड़न अंशु 37 नंबर भेटायल रहे पिछला एपिसोड में ठीक बा आज बाटे विदाई की आलो पाव का कर बड़ा अच्छा लगल भाई बड़ा एकदम भाव में गेला है इसी तरह जोश में गावा और पूरा भोजपुरिया जहान के नाम करा बहुत बढ़िया ममता क्या गाते हैं अंशु सुर इधर उधर भले हो जाए पर भाव बहुत अच्छा है ऑफकोर्स भाव बहुत स्ट्रांग है आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा था मुझे अच्छा लगा शब्द अच्छा लगा अलग लगा बाकी से सो कुल मिला के मैं आपको दूंगी 18 तुम्हारे अंदर ईश्वर की बड़ी एक कृपा है कि गाने को अपना बना करके वैसा वैसा एकदम रचते हुए चले जाते हो बहुत कमाल की बात है मैं बहुत हैरान होती हूँ आपकी गायकी को सुन के एक बात बहुत अभी तक जितने हमारे मेल सिंगर्स हैं सबका एक परफेक्ट योनर है या तो कोई बिल्कुल लोक संगीत का खिलाड़ी है एक है जिस पर फिल्म के गाने सूट करते हैं कभी कभी लोग गीत गा देता है लेकिन आप एक ऐसे हैं जो जब आप आइटम गाते हैं जब आप कोई कलरफुल गाना गाते हैं तो भी लगता है कि ये जितेंद्र अंशु गा रहा है और लोकगीत को उठा करके गाते हैं तो भले ही आप एकदम डूड लग रहे हो
लेकिन भाव और आवाज बिल्कुल वैसी निकलती है खांटी गोरखपुरिया कलाकार की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज के लिए 18 मेरी ओर से। बहुत बढ़िया मालिनी जी, कल्पना जी, 18 18। पिछला सप्ताह का जो मार्किंग रहे उस हिसाब से इनका कुल टोटल हो गई 73 और सेफ बाड़ा तू। वाह जय वाह। कुछ कहे से अब? कुछ नहीं, बहुत बहुत सबको हमारा सब लड़की लोगन के का कहबा जो कुवारी बाड़िन बोलो क्या बोले इतने भी भोले नहीं हो, क्या एक्टिंग कर रहे हो? चला जो भी बा अपन संदेशा दा, बहुत बड़का फैन फॉलोइंग हो गई बा। हमारा पड़ाव है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। अच्छा, ये सुहाग रात में जियन गोड़ चुके पड़ाम करियन आशीर्वाद दाम जाती बाहर। जा बेटा, जा बेटा, प्रणाम ही करना थी तो प्रणाम ही करना, प्रणाम सुहाग रात में वही करना प्रणाम। एलिमिनेशन के भवर जाल में अभी भी बुरी तरह फसल बाड़न उत्तर प्रदेश सेना के दीपक। चिंता होता ना, इतना बढ़िया गायक ललका कुर्सी पे। शायद आज इनका आपके दुआ के सख्त जरूरत बा। कृपया उत्तर प्रदेश ना बिहार झारखंड से भी कहब कि इतना बढ़िया गायक खातिर आप जरूर दुआ करें। कहीं ना कहीं विदाई का रात भी कपारे पे चढ़ल बाटे। ये लोग माने ना माने लेकिन विदाई का प्रेशर आ जाला, काहे कि अब सुर संग्राम अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंच गईल बा। सफर खत्म हो जाई हमेशा खातिर जा, जे भी जाई बहुत रोलाई हो, बहुत दुख दे। लाल कुर्सी पे सबसे कम नंबर पाके बैठ गईल बाड़िन झारखंड की प्रियंका भारद्वाज। अब तो बाकी बा इनका खातिर आखिरी आस यानी आखिरी बार का हुई कुछ ना पता बाटे। वहां हालत खराब हो रल बा, हो टेंशन का माहौल से उबरे खातिर चला खोलल जाओ भानुमती का पिटारा। ना तो हम ना बोल पाए गो सूत्रधार के रूप में, काहे कि भानुमती का पिटारा खोलब उकरा पहले थोड़ा कुछ बतियाई इनसे। बहुत सुंदर लागत अड़ू, बहुत नीमन लागत अड़ू। या का कहे छ, का लगता वीरेंद्र भारती बचा पई हैं कि ना बचा पई हैं? ये तो भैया की गायकी पे है और मैं यहाँ तक हूँ, यहाँ तक आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखा वीरेंद्र भारती सेकंड लोएस्ट नंबर रहलन पिछला सप्ताह, तोरा से थोड़ा नंबर उनकर कम रहे, दो चार नंबर का कुछ फेरा रहे। चांसेस काफी बांटेगी आज वीरेंद्र भारती भी शायद जा सकल में जा सके, है ना भैया? मैं यही कहना चाहूंगी कि जाना तो सबको एक दिन है, और हो सकता है अगर भैया की, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी कि भैया की गायकी पे है कि वो अगर अच्छा गा देते हैं तो फिर वो है आगे, और अगर फिर उनका डोलता है तो मैं सिर्फ हूँ। यो खिलावा वीरेंद्र भारती, आजमगढ़ के लाल, सुर के लाल, माटी के लाल, कहीं गड़बड़ाई ना। कहे कि कुछ अजीब सा आज पहली बार 23 एपिसोड हो गई ऐसन राउंड विदाई का हम ना देखनी कबो, ना आप लोग देख ले हो, ना तो न्यायमंडल ना केहू, ये आज फैली मंच पे। चला ये चिंता के थोड़ा हल्का कर, भानुमती का पिटारा से निकाल अब जोन पर्ची निकल ले रहनी। और अरे वाह, अरे वाह, वो नाम बाटे कल्पना जी का। और कल्पना जी एगो बिगड़ेल बहु और हम बनब सास, और सास से ही लड़ियन और हमार कंप्लेन बाटे अपनी बहु से, वो जवाब दीहन आपके पूरे आचरण पे हम खेलब आपके बोलब। तो आज भानुमती के पिटारा से कल्पना जी, मैं आपके साथ कैसे एक्टिंग कर सकती हूँ? आप इतने अच्छे एक्टर, मैं तो सिंगिंग कर सकती हूँ। हम सास है, आप पतो बाड़ो, मुझे तो एक्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन आपके जीवन में सास तो बाड़ी ना कब उनके, लेकिन बिगड़ता बिगड़ने वाला नहीं हूँ मैं। वाह वाह, और आओ तड़ी रवि किशन का पतो। वाह वाह, ब्रेकिंग न्यूज बाटे, कल्पना जी आयल बाड़ी और हम बनब सास, ई रूप में सास के देख लिया और ई बनियन हमार पतो। पतो उ जेकरा के भोजपुरी ना आवेला, तो हम तो पूछब इनसे भोजपुरी में, देखे के बाकी पतो कैसे जवाब देला। और पतो ई नई नई एकर एक महीना भइल बा, बियाह बियाह होके आइल बाटे, कोनो काम ना करेला। अब
ईसास पूछी अपने पतो से कि एजा का करे, एजा करेला बिने आयल बानू कि का बिने आयल बानू, का हो का कहलू भोरे से? चली प्रणाम। हाँ खुश रहा सौभाग्य। गलत 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 बात इन्फॉर्मेशन देत रहनी, कोनो काम नहीं करेलन, ये गलत झूठ, एकदम सरासर झूठ बात बा। अच्छा रोए खुद तो एकदम सच धज के कहाँ का घूमत रहनी खेते खेते के बीच। हाँ तो हम तो पूरा अब तक लड़का पैदा कह देनी तो हमार उम्र बाटे की हम पूरा मजा ले। प्याज व्याज छिले के बा हमारा के तो मदद करी, हम अकेले अकेले कितना संभारी पूरे घर के। कैसे नहीं कैसे मुझे उसी पतो बा हो है? सारा दिन तो कहाँ कहाँ घूमत रहनी। अरे तो घूमब ना तो का पूरा उम्र बा कौनो? अरे तो पूरा जिंदगी घर पे भजन गाए। अरे तो पूरा या जलाई मंदिर पे, मंदिर साफ करी घर पे, हमरा के सब काम करे परेला, सुबह से एकदम 5 बजे उठा देला। अरे तो मुझौसी के मालूम ना, जब देखा 7 बजे अपने मुझौसी का 7 बजे अपने अपने पति के साथ कोठरी में ढुका जाइलू, भोरे 8 बजे निकल और बेटा खुद ही धुके रहले। बेटे के समझाई ना राहुल, बेटा खुदे धुके रहलन कमरा में। अरे तो हम तो हम का करी? अरे तो हमारो पति रहलन लेकिन 4 बजे। और उस दिन हमारा पति के का कहले रहनी कि टच स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए, केकरा संगे व्हाट्सएप में बतियाए बो केकरा संगे। अरे तो ई कौन कौन उम्र बा? अरे तो अपने लड़का से राम भजन करी, राम भजन। हमार माई तो हमार माई नैहर तो कितना अच्छा रहनी, हमार माई तो एकदम भजन में रहती, और ये तो उल्टा एकदम। अरे और हमरा के सब पता बा, वो मिसिर जी संगे जो पड़ोस में रहलन, वो मिसिर जी के संग का चक्कर? अरे तो मिसिर जी एकदम ये उमर बा कोनो? अरे वो जवान बाड़न, हमहू जेम जवान बाड़ी है। भजन गाई का पहन के आयल बाड़ू तू? ये पूरा लौकता अब जेकर सास पैंट और कुर्ते में रहनी, वो का पहनी? हम तो नारी नारी की वेशभूषा में मानी रहा, वो खुदे के देखी मर्दाना ड्रेस पहन के गोबर पाथे आवाला। मिसिर जी के साथ कौन चक्कर बा? मिसिर जी बड़ा हॉट सेक्सी बाड़न। तो ये प्रमाण हो गया कि आप बिगड़े हुए हैं सासू जी। बहुत धन्यवाद कल्पना जी के एगो जोरदार ताली इनकर भोजपुरी खातिर। ये कोनो स्क्रिप्ट ना रहे, ये ऑन द स्पॉट एक स्पॉन्टेनियसली एकदम प्ले कैल गई बा, और एगो सिंगर बाड़ी नी, इहो नाई की कोनो कैमरा फेस, फैंटास्टिक। थैंक यू, एगो जोरदार ताली, धन्यवाद। जो सांस लोग देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा तो एक तो माफी, और मैं अम्मा की बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी सास वो बात आती है, और मेरी सास जिनको मैं अम्मा बोलती हूँ, मैं एक मुस्लिम हिंदू बेटी मुस्लिम परिवार की बहू हूँ, और मैं ज्यादा उनके बारे में क्या बोलूँ, इतनी 5 वक्त की नमाजी है, वो स्पिरिचुअल है, धार्मिक नहीं है। अध्यात्म और धर्म का जो फर्क है उनसे मैं सीखी हूँ, और इतनी ओपन माइंडेड। अभी जो सुर संग्राम शुरू हुआ तो मैंने बच्चों को, दोनों बच्चों को दादी के पास, अम्मा के पास रखा, और मैंने कुछ जाते वक्त मुझे मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते वक्त मेरे बेचैनी को उन्होंने समझा, और मैंने मतलब एक होता है ना कि भाषा से आदान प्रदान, वो नहीं हुआ। उन्होंने एक बार बोला कि निश्चिंत होके जाओ, कुछ चिंता नहीं करना है, हम लोग तो बस एक जरिया है, अल्लाह देखेगा बच्चों को। ऐसे है, ऐसा संबंध है, बहुत बात नहीं करते हो भी, ये भाव का मेरा संबंध है। अम्मा को सलाम वालेकुम अगर वो देख रही है। वालेकुम सलाम, और साथ ही साथ हमार तो प्लानिंग रहे कि इनके कैबरे करवाई, लेकिन ये सास बहु वाला, लेकिन ई वादा बाटे की कल्पना जी से एगो कैबरे करवाई जाए। कल्पना जी के प्लेबैक सिंगिंग वॉइस दी हन ममता, और ई नची हन कैबरे भैया तू। मेरा भी एक रिक्वेस्ट है तो आजा। ओके ये करेंगे, एक रिक्वेस्ट है। जैसे देखिए सुपरमैन स्पाइडरमैन से इंस्पायर होके ऋतिक रोशन ने क्रिज भी कर लिया, भोजपुरी के का हुई? आप अगर आप नहीं करेंगे भूताली जी का जो है वो चीज, अगर आप भोजपुरी में नहीं लाएंगे कैसे होगा? धन्यवाद, बहुत अच्छा ई वचन आज आपके देता नहीं कि हम डेफिनेटली एगो भोजपुरी सिनेमा के सुपर हीरो बन के जरूर आए, ये हमारे प्रॉमिस बात। थैंक यू, बहुत मजा आया। सो स्वीट, मैं म्यूजिक में रहूंगी। सो स्वीट आपके पूरा पूरा, अरे वाह वाह। थैंक यू कल्पना जी, जगा देनी हमरा के, लेकिन कहीं कौन रूप में का कपड़ा में देखे अभी उनके बाबा वाला भोजपुरिया जहान दिल के धड़कन उच्चतम रफ्तार पे पहुंच गए बाटे, बिना देर करे बुला लेल जाए आखिरी योद्धा के। अब मंच पे उतर रहल बाड़न वो योद्धा जिनका के पिछला एपिसोड में भेटायल रहे 40 में से 33 नंबर हिंदी गाना पर इनकर परफॉर्मेंस गड़बड़ा गए रहे, याद बाटे ना? हाँ
का ही आज मजबूत योद्धा के सपना पर कसी एलिमिनेशन के फंदा। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी यूपी के शान, आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश माटी के लाल वीरेंद्र भारती। एको जोरदार ताली संतोष भैया, अमित भैया, ललित भैया के लिए को जोरदार ताली। बहुत अच्छा बाबू, हरार महादेव, जय हो, जय हो बाबा, जय हो। प्रियंका कृपया आई। पिछला एपिसोड में इनकरा के भिटाइल रहे 33 नंबर, आज देखे के बा कि कहा हुई उत्तर प्रदेश से विदाई हुई कि झारखंड से चला सरदार लोगों के पास जाय जाई ओकर बाद न्याय मंडल फिर नंबर उर्साब से पता चल जाए कि आज के एजा से हमेशा खातिर चल जाए। आलोक बाबू पहले भी तो हम कहिए देनी कि भोजपुरी लोकगीत के बादशाह बारा शेर बारा बस इसी तरह भाई टपक के गावा मजा दा हमरा के। ममता जी क्या कह, सबसे पहले तो आपके लिए उठ के क्लैप। और दूसरी बात, अगर आप ऐसे ही गाते रहें तो अपोजिशन पार्टी की मैं कोच हूँ, पर अगर आप ऐसे ही गाते रहें तो आप ही मतलब जीत रहे हैं। तेरे गर्जत रहा, तेरे बरसत रहा, अब बरसत रहो गर्जत रहो तो यूपीए के झंडा लहराई। बोल प्रेम से शंकर भगवान।
बोले। का लगा था इनका प्रस्तुति कैसे रहे? बहुत ही अच्छा। का कहे चाहू लगाता कि रहबू की चल जाएगी, काहे कि अभी न्यायमंडल का मार्किंग बा, नंबरों अभी बाकी बाटे। आपके अच्छा लगल, सरदार लोगन के अच्छा लगल, कोनो जरूरी नहीं की कि न्यायमंडल के अच्छा लगी। भैया मैं इतना ही कहूंगी कि उनकी गायकी बहुत अच्छी थी। का बाबू।